छोटू गिन क्या हो, कितने लोग हैं? कितने क्या होंगे, पूरा जत्था आया होगा उठ के। घर थोड़ी ना धर्मशाला है कि आइए खाइए छीकिए पादिए चले जाइए। क्या धीरे बोले, उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। एक दिन का तो समझ में आता, रोज रोज दोनों टाइम चली आ रही है सेना, गिरोह बना के आ रहे हैं। दोस्ती यारी ना बाहर तक अच्छी लगती है, ये नहीं कि रोज रोज घर में बुला के बैठा लो। और सबकी बीवियां नहीं है क्या? हमने तो नहीं सुना कभी कि सुशील के घर जा रहे हो, कि रवि के घर जा रहे हो, कि पांडे के घर जा रहे हो। पूरे शहर में तुम्हारा ये घर बचा है खाली। चले आते हैं रोज रोज मुंह उठा के कि भाभी जी आज चने का साग हो जाए, तो आज आलू की कचौड़ी हो जाए, तो आज गोभी के पराठे हो जाए। और वो नहीं जिसकी बीवी भाग गई थी, क्या नाम है उसका, राजेश, उसकी जवान तो कुछ ज्यादा ही पांच हाथ की है। गर्भवती महिला की तरह उसकी जवान लबलबाती है कि भाभी जी चटपटी चाट के साथ अगर देसी घी का हलवा हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। देसी घी का हलवा खाएंगे, अपने घर में कहो रोटी में रिफाइंड लगा के खाते, लेकिन यहाँ सबको देसी घी से ही बात करनी है। लोग बोलते हैं कि किसी को खाना खिलाना बड़े पुण्य का काम होता है, इन लूमड़ों को खिलाने से पुण्य नहीं मिलता है। जिनको एक कुर्सी बैठने के लिए चाहिए तो दूसरी कुर्सी पेट रखने के लिए, क्या फायदा बोलने का, किसको यहाँ पे फर्क पड़ता है। मिल गए ना सीधे साधे, इसलिए ज्यादा सब सर पे चढ़ के नाच रहे हैं। कोई मिली होती चंड तो पता चलता दिमाग ठिकाने ला देते। अब क्या मना करने जा रहे हो, मना करना था तो पहले करते, जब गाड़ी पर खाना बना के रख दिया तो मना करने जा रहे हैं, ढंडस पसार रहे हैं यहाँ पे।